हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 फोर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें आपको क्या दिया गया है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू अर्न द नेम अ लॉलेस पर्सन। तो जो ग्रिफिन था उसने एक उसको एक टाइटल मिला था लॉलेस पर्सन का, यानी वो किसी तरह के कोई नियम कानून उनको फॉलो नहीं करता था, तो वो टाइटल जो है उसको क्यों मिला था। ऑप्शन ए, ग्रिफिन बिकम अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट बन गया था। ऑप्शन बी, ही सेट द लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर, उसने जो अपना मालिक था उसके घर में आग लगा दी थी। सी, ही बिकेम इनविजिबल, एंड डी, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही सेट द लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्रीडम नॉट मीन टू नेल्सन मंडेला व्हेन ही वाज अ बॉय। ठीक है, कि कौन सा जो है, व्हाट डज फ्रीडम नॉट मीन, फ्रीडम का मतलब नेल्सन मंडेला के लिए नहीं था, ठीक है, जब वो क्या थे, व्हेन ही वाज अ बॉय। सो ऑप्शन ए है टू रन इन द फील्ड, जो खेतों में भागना। ऑप्शन बी, टू अर्न हिज कीप, अपनी कमाई रखना। ऑप्शन सी, टू रोस्ट मील्स, एंड ऑप्शन डी, टू राइड स्लो मूविंग बुल्स। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा बी, टू अर्न हिज कीप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, हाउ डिड द सीगल फैमिली शॉवर प्रेजेज ऑन द यंग सीगल व्हेन ही लर्न टू फ्लाई। जो सीगल फैमिली थी उसने अपने जो प्रेज है वो किस तरह से यंग सीगल के प्रति दिखाया था जब उसने उड़ना सीख लिया था। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए, दे पुश्ड हिम फॉरवर्ड, उन्होंने उसको बार बार आगे फॉरवर्ड जो है पुश किया। बी, दे वर स्टेयरिंग एट हिम एंग्रीली, उन्होंने उसकी तरफ घूरना शुरू कर दिया गुस्से से। सी, दे टीज हिम विद देयर बीक, उन्होंने उसको चिढ़ाया। एंड डी, दे ऑफर स्क्रैप्स ऑफ डॉग फेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दे ऑफर स्क्रैप्स ऑफ डॉग फेस, उन्होंने उसको डॉग फेस जो है वो ऑफर दिया, ठीक है, उसके लिए उनको ऑफर दिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज वर नॉट गिवन बाय मिस्टर किसिंग टू एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट। इनमें से कौन सा ऐसे जो है वो मिस्टर किसिंग जो उसके मैथ्स टीचर थे एनी फ्रैंक के, उनको नहीं जो है उन्होंने उनको नहीं दिया एनी फ्रैंक को एज अ पनिशमेंट। ऑप्शन ए, अ चैटर बॉक्स। ऑप्शन बी, इनकर्जिबल चैटर बॉक्स। ऑप्शन सी, चिट चैट चिट चैट। ऑप्शन डी, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये भी दिया था चैटर बॉक्स भी, सेकंड भी दिया था, और थर्ड टाइम क्वैक 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 ये वाला दिया था। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये टाइटल नहीं था ऐसे का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th, द फैक्ट दैट द टाइगर इज इन हिज क्वाइट रेग टेल्स अस दैट ही। तो जो टाइगर है इन हिज क्वाइट रेग, वो हमें ये जो लाइन है ये क्या बताता है। ऑप्शन ए, कैन ईजिली मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ईजिली वो मूव जो है आगे पीछे की तरफ घूम सकता था। ऑप्शन बी, वॉक क्वाइटली इन हिज केज विद हिज हिडन एंगर, कि जो टाइगर है वो अपने छिपे हुए गुस्से के साथ जो है केज में वॉक कर रहा था, धीरे धीरे जो है चुपचाप वो चल रहा था। सी, वॉन्डर्स ऑल अराउंड, ठीक है, सारी जगह घूम रहा था चारों तरफ। डी, गेट्स टू सी विजिटर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, वॉक क्वाइटली इन हिज केज विद हिज हिडन एंगर, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा बिकॉज। पायलट जो है वो अपने ओल्ड डेकोटा के साथ उड़ रहा था क्योंकि ही हैड टू रिपोर्ट बैक टू द हेडक्वार्टर, उसको हेडक्वार्टर वापस जाना था। ही हैड टू मोनिटर द वेदर कंडीशन उसको मॉनिटर करनी थी। ही वॉज ऑन अ सीक्रेट मिशन अगेंस्ट द एनिमी, वो जो एक सीक्रेट मिशन पर था। एंड ही विश टू हैव मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, वो चाहता था कि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन,
जो टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन ए द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, ऑप्शन बी द एरोप्लेन ऑफ द पायलट, ऑप्शन सी एरोप्लेन इन द स्टॉर्म स्काई एंड ऑप्शन डी द एरोप्लेन दैट क्रैश्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन ए द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। इसको जो है टाइटल वो किसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि उसने जो है एरोप्लेन ने पायलट की हेल्प की थी। सो ए इज़ द राइट आंसर। अब हम एक बार इसके आंसर देख लेते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका इसका भी बी हो जाएगा एंड थर्ड क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर जो है आपका वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन आपका ए रहेगा, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके आज के इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।